पंजाबी सियासत में अब लड्डुओं के बाद पंजाब में नेताओं को खून से तौलने का आगाज शुरू हो गया। बठिंडा में लोगों ने रक्तदान कर इकट्ठा किया खून। नमस्कार, मैं शिवानी, न्यूज 10 इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। समाज सेवी राजेश कुमार का कहना था कि लोग राजनेताओं को खून से तौलने का प्रचलन शुरू कर रहे, जो एक अनोखा ढंग भी है और राजनेताओं को कहीं ना कहीं सोचने पर भी मजबूर करेगा कि उनके वर्करों एवं समर्थकों ने अपना खून से तौल कर उनका हौसला बढ़ाया है। पहले चुनाव में लोग अपने चहेते नेताओं को लड्डुओं से तौलते थे, लेकिन पंजाब में नेताओं को खून से तौलने का नया ट्रेंड शुरू हो गया। जी हाँ, आपने सही सुना कि पंजाब में नेताओं को खून से तौलने का ट्रेंड शुरू हुआ है। बठिंडा से इस ट्रेंड का आगाज हो चुका है। गुरुवार को बरनाला बाईपास रोड पर स्थानीय दुकानदारों एवं शियद वर्करों ने शियद बसपा गठबंधन के प्रत्याशी स्वरूप चंद सिंगला को बुलाकर पहले रक्तदान शिविर लगातार रक्त एकत्र किया और उसके बाद इकट्ठा हुए रक्त के साथ शियद प्रत्याशी को तोला गया। शियद प्रत्याशी का कहना था कि लोगों के प्यार का मूल्य उन्होंने हर समय के साथ उनके अच्छे बुरे समय में खड़े होकर पहले भी दिया था और अब भी वे वही, चाहे चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन वे लोगों के साथ पहले की तरह ही खड़े हैं। 2022 के चुनाव से पहले पंजाब में जब जब भी निगम, पंचायत या विधानसभा चुनाव हुए, सभी राजनेताओं को लड्डुओं से तोलने का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा। इस बार के चुनाव में बठिंडा शहरी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मनप्रीत बादल को पहले पार्टी वर्करों ने नमकीन काजू से तोला था और अब शियद बसपा प्रत्याशी सिंगला और आप प्रत्याशी गिल को खून से तौलकर लोगों ने नई प्रथा को जन्म भी दिया है। वही शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जगरूप सिंह गिल को पार्टी वर्करों ने एक होटल में अपने रक्त से तोला था। पार्टी वर्करों ने पहले एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, उसके बाद गिल को तोला। समाज सेवी राजेश कुमार का कहना था कि अब लोग राजनेताओं को खून से तौलने का प्रचलन शुरू कर रहे हैं, जो एक अनोखा ढंग भी है और राजनेताओं को कहीं ना कहीं सोचने पर भी मजबूर करेगा। शियद प्रत्याशी का कहना था कि लोगों के प्यार का मूल्य उन्होंने हर समय उनके साथ अच्छे बुरे में समय में खड़े होकर पहले भी दिया था और अब भी देंगे। आपकी क्या राय है इस खून से जुड़ी हुई प्रथा के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।